होप सो आप सबको हेलोवीन ब्लॉग पसंद आया है। तो इस बार हेलोवीन मैंने किचन रिलेटेड खरीदा है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज अक्टूबर 31 है, तो आज हेलोवीन है, पर मुझे लगता है इस साल हेलोवीन के साथ और एक फेस्टिवल जो मुझे लगता है हेलोवीन से बहुत बड़ा है। हेलोवीन तो इज़ जस्ट फॉर फन। एक्चुअली मुझे कल ही पता चला कि आज करवा चौथ है, सो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। जो लोग करवा चौथ सेलिब्रेट करते हैं, आप लोग बताना आप लोगों का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। यहाँ पे है मेरे रक्षु बाबा, जो आई एम श्योर आप सबने देखा ही नहीं होगा। सी नाउ द टाइम इज 7:35। तो चलिए सारे बर्तन निकाल देते हैं। ऐसा अभी ना मैं थोड़ा थोड़ा बर्तन निकालती रहती हूँ, पर कल मैं भूल गई थी थोड़े थोड़े करके कुछ बर्तन निकालना। तो कोई बात नहीं, अभी सब एक साथ में निकाल लेते हैं। एंड ये मैं क्या बोलूँ यार, ये ना कम से कम 4 kg इसका तो होगा ही होगा। ये इतना हेवी होता है ना। राय रेडी हो चुकी है स्कूल जाने के लिए, एंड क्योंकि आज हेलोवीन है, एलिमेंटरी स्कूल में तो दे यूज टू वेयर द कॉस्ट्यूम, नहीं तो कॉस्ट्यूम लेके जाते, पर अभी दे आर हाई स्कूलर, ऐसे थोड़ा ही ना करेंगे। तो सब लोग कुछ कुछ करते हैं। तो राय इज व्हाट, ब्लैक कैट, शी इज अ ब्लैक कैट। सब लोग बच के रहना। सी राय ने अपना हेयर बहुत ही अच्छा किया है, वेट में अपने खुद के हेयर से ही किया है। सी इट्स लुकिंग क्वाइट नाइस। हंस भी रही है राय नीचे में। थोड़ा मैं आटा गूंद के रख रही हूँ, बिकॉज मेनी ऑफ यू आर टेलिंग पायल सिद को, मैंने एक्चुअली सिद के लिए पराठा एक दो बार बनाया था, बट इतना समय लगता है ना, एंड देन आफ्टर सम टाइम ना ही गेट्स इरिटेटेड, लाइक बोर हो जाता है, नहीं खाना, तब और क्या, तब सब रैक्स खा लेता है। पराठा किसने खाया, रैक्स ने। हर मंगलवार को ना शॉमिक ऑफिस जाते हैं, ऐसा तो अभी ऑफिस ही गोज 4 days ही बोल सकते हैं, पर क्योंकि आज हेलोवीन है तो कल रात को ही शॉमिक ने डिसाइड किया कि वो घर में रहेंगे। एंड मुझे लगा डेली तो मैं उनको ओटमील देती हूँ, तो लेट मी मेक टुडे लिटिल बिट डिफरेंट, इसीलिए मैं पराठे दे रही हूँ एंड उसके साथ चाय। ये आलू की सब्जी मैंने शनिवार को बनाया था जब हम लोगों का लक्ष्मी पूजा था, तो यही दे रही हूँ, एंड पराठा एंड उसके साथ चाय, अदरक वाली चाय, मैं बोलूँगी परफेक्ट फॉर विंटर सीजन। अभी टाइम हुआ है 10:05 एंड अभी मैं सना और सीद हम लोग बाहर जा रहे थे, मैंने हेयर भी कुम नहीं किया, नेचुरल कुम। चलो हो गया, काफ़ी ठंडा यार, आई हैव टू टेक आउट माई बूट्स एंड ऑल। हाँ तो सीद का स्ट्रॉलर लेना है, दिस स्ट्रॉलर इज सो कम्फर्टेबल यार, इतना लाइट वेट है ना। सी हो गया, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हेलोवीन के दिन अब जाके मैं पार्टी सिटी आई हूँ टू गेट सम स्टफ, बिकॉज मैं बहुत ही सच्ची बात बोल रही, इस बार मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी नहीं करूंगी, देन कल रात शॉमिक आई एंड ही इज लाइक कि क्या तुम कुछ भी नहीं करोगे, एंड इस साल वो मैं आप सबको बाद में बताऊंगी जो भी हो, प्लस राय चली जाएगी एंड शॉमिक ना हर मंगलवार को ऑफिस जाते हैं, तो मैं सिद को लेकर यार कितना कुछ करूँ और अकेले अकेले। एंड रैक्स ऐसा आप सबको बहुत ही प्यारा लग सकता है, पर रैक्स का ना एक इतना खराब आदत है, कोई घर में आता है ना इतना बार्क करेगा, इतना बार्क करेगा ना, तो वो सब सोच के मैंने सोचा था छोड़ो यार कुछ भी नहीं करते। सिद के लिए ऑल्सो मैंने एक ही कपड़ा खरीदा था, बट शॉमिक वॉज लाइक नहीं 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 हम लोग करेंगे। एक्चुअली आज ना वो लोग काफी डिस्काउंट देते हैं, तो मैं देखती हूँ सिद के लिए कुछ है क्या, बिकॉज द प्रॉब्लम इज कि सिद तो ऐसा कभी भी नहीं पहनेगा, टोपी है वो निकाल लेगा, एंड सिद के लिए आई गॉट सम साइंटिस्ट, या ये भी प्रॉब्लम है, सी ऐसा तो चश्मा तो इट्स इम्पॉसिबल। US जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी ना, तब ना मैं हैरान हो गई थी, बिकॉज दैट टाइम आई टू थिंक अरे क्रिसमस तो दिसंबर में, तो अक्टूबर से क्यों क्रिसमस का कपड़ा मिलता है, बट दिस इज हाउ थिंग्स वर्क हियर। पर मैं अभी कुछ भी नहीं खरीदूंगी, तो छोड़ दो, ही इज हैप्पी। मुझे सिर्फ सिद के लिए ना वो रात में पहनने के लिए थोड़ा कपड़ा चाहिए।
घर पहुंच गए हैं अभी ना, मुझे यूपीएस स्टोर जाना है बिकॉज रिमेम्बर मैंने वो चोकर खरीदा था, वो अभी तक रिटर्न करना ही नहीं हुआ है। एंड लास्ट ईयर में ना हेलोवीन का जो भी सामान था सब कुछ मैंने फेंक दिया है, तो इस बार आई गॉट एंड अभी जस्ट सिद्ध तो इससे बिल्कुल भी नहीं डरा, बट हम लोग के घर में सबसे डरपोक कौन है? हे रेक्स, बेटा रेक्स का रिएक्शन आप सबको दिखाती हुआ, जस्ट रेक्स। Got this one and देखते रेक्स को होगा भी या नहीं। रेक्स शो कम हियर बाबा। एंड ये एक्चुअली मुझे लगता है थोड़ा छोटा हुआ है रेक्स के लिए, लाइक सी द टेल, बट चलो इट्स फाइन। यार रेक्स इज अ क्रैब, सी पेट कर दो सिद्धू रेक्स के। yes. तो सिद्ध के लिए आई गॉट दिस मिकी माउस वाला कॉस्ट्यूम। माय बेबी माय छोनलो मिकी माउस, यार से टोपी सिद्ध को कोई नहीं पहना सकता। बहुत दिनों के बाद मैंने किचन रिलेटेड खरीदा है। ये किचन रिलेटेड नहीं है, ये रैक्स रिलेटेड है। ये रैक्स का स्नैक्स है, दिस आर रियली गुड। जो लोग के पपीज है ना, यू कैन गेट दिस वन, दिस इज लैम एंड सैमन। तो ये सब रैक्स का खाना है। तो अभी किचन रिलेटेड सामान, मेनी ऑफ यू टोल्ड मी, क्योंकि मैं साजन साजन बोलती रहती हूँ, वो जो मेरे स्टेनलेस स्टील के बर्तन है, तो बहुतों ने बोला कि पायल विनोद के बर्तन भी काफ़ी अच्छे। तो मेरा जो तावा है ना जिसपे आज मैंने पराठा बनाया है, मोस्ट ऑफ यू कैन हैव सीन ना कैसा हो गया, तो वो मैं डिस्कार्ड कर दूंगी। तो फॉर दैट दिस टाइम आई गॉट द विनोद वन। खाना भी कुछ कुछ बोल रही है, वो बोल रहे नो दे वॉल से दे वॉल लाइक मी, वो सना बोल रही है कमेंट पे सब लोग लिखेंगे कि मैं ड्रैग कर रही हूँ। या सो दिस किचन टॉवल्स आर सो अमेजिंग गाइस। ये थोड़ा पतला लग रहा है कंपेयर टू द वन व्हिच आई हैव, लिटिल बिट थिन राइट। किचन टॉवल्स आर रियली अमेजिंग। मेरे पास वो तब मैंने किचन कोऑर्डिनेट करके खरीदा था ना ग्रीन कलर का, वो सना ने भी ये टॉवल अपने रजिस्ट्री पे लिख दिया है, व्हेन शी मूव्स तब सना आप सबको पार्टी देगी। तो आई गॉट दिस किचन टॉवल्स। एंड ये मैंने पायरेक्स का खरीदा है, ये शॉमिक को मैं लंच बॉक्स में लंच देती हूँ ना, तो एक 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 ही है तो उसमें ही मैं देती हूँ, क्योंकि बड़ा वाला है ना, बड़ा वाला मुश्किल होता है। लाइक दिस साइज इज़ द बेस्ट, ये मुझे लगता है नहीं ठीक ही है। तो मुझे लगा कि चलो मैं और एक खरीदती हूँ, क्योंकि कभी कभी वो गंदा रहता है, देन आई हैव टू वॉश एंड गिव इट। मैं आप सबको बहुत ही एक सच्ची बात बताऊंगी, बिकॉज मेनी ऑफ यू आर फॉलोइंग मी फ्रॉम ईयर्स, एंड जब भी कुछ ऐसा कुछ फेस्टिवल होता है ना, दिवाली हो या यू नो हैलोवीन हो, क्रिसमस हो, मैं इतनी ज़्यादा एंथू रखती हूँ ना। पर इस साल क्या हुआ, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वी स्टार्टेड द प्रोसेस कि हम लोग घर खरीदेंगे, तब से एक होता है ना मनी मन में सोच रही थी कि हाँ बाय द एंड ऑफ द ईयर तो हम लोग नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे, बट देन when it didn't work, थोड़ा तो दिल उदास होता ही है। एंड यू नो मेरा दिल और भी ज़्यादा भी उदास होता है, बिकॉज आई कैन सी ऑल दैट हाउस, लाइक जो जो घर मैंने पसंद किया था, हम लोगों ने ऑफर दिया था, वो आते जाते घर में देखती रहती हूँ, एंड देखने के बाद ना और भी मेरा दिल उदास हो जाता है। राय जैसे मुझे बोलती है मम्मी छोड़ दो, क्यों तुम एक ही बात को लेके बैठ गई हो, पर मैं बोलूँगी सभी का नेचर अलग होता है। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल नूडल्स बना रही हूँ शॉमी कैन राय के लिए। तो इसी वजह से ना मुझे ना एक्चुअली हेलोवीन करने का मन ही नहीं था, फिर दिवाली के लिए भी ऑल्सो आई एम नॉट दिस मच एक्साइटेड, मैं जैसे बोल रही थी बिकॉज आई थॉट दैट हाँ नए घर में चले जाएंगे, बट दैट्स फाइन यू नो, कभी कभी ऐसा होता है। आई एम श्योर वी ऑल गो थ्रू दिस फेज।
आप लोग सब सोच सकते कि पहले झाड़ू क्यों दे रही हूँ, बिकॉज सिद्ध सो रहा है एंड वैक्यूम करूंगी, तो अगर जग गया तो वाई टू टेक चांस। सो ये नूडल्स तो शॉमिक एंड राय के लिए बनाया, एंड मैंने जो फ्राइड राइस बनाया था ना वो भोग प्रसाद में, मैं वो खाऊंगी। कल मैंने थोड़ा राय को दिया था तो थोड़ा है, एंड ये एक्चुअली सब्जी बहुत ही अच्छा हुआ था, गोभी एंड पनीर का, आई थिंक सो पनीर एक दो ही होगा, क्योंकि राय को गोभी नहीं खाना था, सिर्फ पनीर खाना था। तो आई विल हैव दिस, मेरा लाइक फुल आरटी से ही चलेगा। सो राय भी आ चुकी है, एंड इट सीम्स राय के स्कूल में सारे टीचर लोग लाइक दे कुड नॉट बिलीव कि एक्चुअली ये जो राय ने किया है ना, सी ये कैट हेयर, ये राय के खुद के बाल है, एंड दे वर लाइक नहीं ये व्हाट दे थॉट, ओ सोचा था कि ऐसा एक क्लिप है। हाउ डिड यू डू इट, सी अच्छी तरीके से अभी भी है, या सी अच्छा है अभी भी, इट्स गुड। या राय का ड्रेस भी बहुत ही अच्छा, एंड राय ने खुद एक पार्ट बनाया है, व्हेन शी विल वेयर इट मैं दिखाऊंगी। लास्ट ईयर इन ना व्हेन आई वाज क्लीनिंग माय स्टोर रूम, तो मैंने ना हेलोवीन रिलेटेड सारा सामान फेंक दिया था, तो इस बार ना इसलिए आई डोंट हैव एनी बकेट एंड ऑल, वो होता है ना हेलोवीन रिलेटेड, तो मैं क्या करूँ। फिर मुझे लगा कि चलो मैं स्टील वाले पतीले में रखती हूँ, वो एक्चुअली बड़ा है, पर ये जो मैं लाई ना ये मेरा घर का लाइक खुद का, ये मुझे लगता है बहुत ही छोटा है, बिकॉज दिस बार ना जो सना का ही आइडिया था विच इज़ गुड कि पहले पैकेट बना के दो, तो यहाँ पे मैंने एक यू नो आई केप्ट सम चिप्स ऑल्सो एंड उसके साथ चॉकलेट्स भी है। सारा काम हो चुका है, एंड ये ना बहुत ही छोटा है, तो उसे यहाँ में कितना सारा आ गया, तो मैंने बाहर भी थोड़ा साफ कर लिया है, ऐसे ही कल हम लोगों का रिसाइकल एंड गार्बेज वो सब है। तो चलिए अभी मैं रैक्स को लेके जाती हूँ। व्हाट हैपेंड, हेलोवीन में राय बनने वाली है रिपोंजेल, एंड ये कॉर्सेट राय ने खुद बनाया है क्योंकि बहुत फीका फीका लग रहा था, एंड दिस इज़ ए मॉडर्न वर्शन ऑफ रिपोंजेल। तो जब सब रेडी होगी तब मैं आप सबको फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो आप सबको क्या लग रहा है मैं इस बार क्या बनी हूँ, कमेंट पे अभी लिखना चीटिंग नहीं करके। एंड ये रही मॉडर्न वर्शन ऑफ रिपोंजेल, तो राय ने ये कॉर्सेट जैसा खुद बनाया है, तो थोड़ा हम लोग को चेंज करना था, आप लोग बताना कैसा हुआ है। सब इंडियन इंडियन रिपोंजेल, एंड उसके साथ और एक ट्विस्ट भी है, द ट्विस्ट इज रिपोंजेल के साथ साथ रिपोंजेल की मम्मी भी आ गई, मदर गोथेल। रिपोंजेल के बाल है एंड मदर गोथेल टकली है। रिपोंजेल प्लीज डू समथिंग, गिव मी योर मैजिक हेयर रिपोंजेल, गिव योर मदर सम हेयर रिपोंजेल। ओके 1 2 3 थैंक यू रिपोंजेल, थैंक यू। सो मदर गोथेल के बाल भी आ गए। गाइस कैसा लगा आप सबको राय का मैजिक, जिससे मेरे बाल लंबे घने एंड फुल कलर भी चेंज हो गया। वाव ऐसा मैजिक हो जाए तो क्या मजा है। तो मुझे लगा यार मे बी लेट मी डू समथिंग, कल ही था व्हेन आई डिडंट वांटेड डू एनीथिंग, तब मैं पार्टी सिटी गई ना, आई गॉट दिस वीक, एंड हाउ इज दिस वीक एक्चुअली, हुआ नॉट यस्टरडे टूडे आई वेंट टूडे, तो बाबा हाउ इज दिस वीक, एंड ये मैंने अपना बेबी शावर वाला ड्रेस पहना है, बिकॉज मुझे लगता है ये ऐसा ही बहुत ही फनी है, एंड मदर गोथेल ने कुछ ऐसा रेड कलर का ही ड्रेस पहना था। यार मैं अंदर चली जाती हूँ, मैं फुल कॉमेडियन लग रही हूँ, एंड वहाँ पे शॉमी कैन सिद एंड राय ने जैकेट पहन लिया, अच्छा हुआ यहाँ पे कोई नहीं, एंड ये सिद का फर्स्ट लाइफ का ट्रिक और ट्रीट, ओह माय गॉड, ओह माय बेबी।
एंड ये रहे हम लोगों के रैक्स। तो ये हमारे नेबर के डॉग है, जस्ट लुक ही सो क्यूट। एंड अभी हम लोग के रैक्स को देख लीजिए। तो ऑलमोस्ट कैंडीज खत्म ही हो चुके हैं, लेट मी गेट सम मोर। तो अभी मैं ये वीक निकाल लूंगी यार। मुझे ऐसे में गई ना तो मुझे लगा चलो यार लेट मी डू समथिंग, एवरी ईयर मैं कुछ करती हूँ। एंड ये घर मिलना एंड ऑल ये सब तो होता ही रहेगा यू नो। सो वेरी फास्ट हम लोग सब कुछ में है। हम लोगों का हेलोवीन भी खत्म हो चुका है, 6 भी नहीं बजा एंड हम लोगों का खत्म पार्टी। तो राय अभी वेट कर रही है उसकी फ्रेंड और उसकी मम्मी का, क्योंकि वो लोग ही राय को लेके जाएंगे। सो अभी टाइम हुआ है 6:25 एंड ये व्लॉग मैं आप सबको फिर से चांद दिखा के एंड करूंगी, क्योंकि बहुत अच्छा मौसम है। आज करवा चौथ है, ऐसे हैलोवीन का टाइम में एवरी टाइम मैं कुछ स्केयरी करने की कोशिश करती हूँ। चौमिक भी डर गए पर इस बार मैं नहीं करूँगी कुछ भी, बिकॉज इतना अच्छा दिन है यार। एंड अगेन मैं बोलूँगी विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी करवा चौथ एंड इग्नोर माई फेस, मुझे जानती हूँ बहुत ही अजीब लग रहा है। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ, चलिए अभी चाय पीते हैं। एंड आज काफ़ी ज़्यादा ठंडी है, लाइक आज से लग रहा है कि हाँ यू नो विंटर फुल ऑन स्टार्ट हो गया है। एंड चलिए आप सबको दिखाते हैं कैसा है। तो ये रहा तावा एंड उसके साथ पता नहीं ये वो लोग देना कब बंद करेंगे, दिस इज द स्पैचुला। पता नहीं ये विनोद का स्पैचुला क्या मैं बोल रही हूँ, तावा खरीद के सही किया है कि गलत क्वालिटी, आई एम नॉट फीलिंग दैट गुड। एंड स्पैचुला के बारे में मैं और क्या बताऊँ, बहुत ही पतला सूखा हुआ है। इस बार का हेलोवीन सुपर हिट, सब कुछ ख़त्म हो गया। मेरा डिनर खाना ख़त्म एंड यार मुझे आप सबको चांद दिखाना था पर अभी तक चांद नहीं निकला। तो नाउ द टाइम इज 9:15 एंड चलिए एक और लास्ट ट्राई मैं करती हूँ। मैं पैटियो पे नहीं जाऊँगी, मैं बाहर जाऊँगी एंड लेट मी सी आई कैन शो यू ऑल द चांद और नॉट। बहुत ज़्यादा ठंडी है, ओह माय गॉड इट्स रियली कोल्ड। नॉर्मल के डेज तो चांद बहुत ही जल्दी निकल जाता है, पर हाँ करवा चौथ के दिन सच्ची बहुत ही टाइम लगाता है। तो जो लोग न्यूयॉर्क में रहते हैं एंड इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो, मुझे प्लीज़ बताना न्यूयॉर्क में चांद कब निकला, अभी तक तो चांद नहीं निकला। एंड यस इतने देर तक लाइक उपवास रहना एंड पानी भी नहीं पीते थोड़ा तो मुश्किल होता है। एंड आज काफ़ी ज़्यादा ठंडी है, एक्चुअली ठंडियों के दिन में ना आप देखेंगे भूख ज़्यादा लगता है। तो चलिए हाँ मुझे लगा था मैं आप सबको चांद दिखाऊंगी बट कोई बात नहीं। आई होप सो यू ऑल हैव एंजॉयड माई हेलोवीन ब्लॉग एंड थैंक्स टू, और एक बार चेक कर लेती हूँ, नहीं यार कहीं पर भी चांद नहीं है। एंड आई होप सो आप सबको हेलोवीन ब्लॉग पसंद आया है एंड यू नो थैंक्स टू शॉमिक, बिकॉज ऑफ शॉमिक का इनिशिएटिव के वजह से दिस ईयर हेलोवीन रियली वॉज सो मच फन एंड सिद ने भी इतना इन्जॉय किया। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको भी पसंद आया होगा एंड चलिए मिलती हूँ मैं कल आपसे विद अ न्यू वीडियो। एंटिल देन बाय बाय।